नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल बना जंग का मैदान, समापन समारोह छोड़ वापस लौटे मंत्री विश्वेंद्र सिंह। लोहागढ़ स्टेडियम में आज जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के समापन कार्यक्रम के दौरान कबड्डी की दो टीमों ने हंगामा देखने को मिला। सेवर और कासौट की टीम ने जमकर हंगामा किया। दरअसल दोनों टीमों का कल फाइनल मुकाबला कराया गया था, जिसमें सेवर की टीम ने जीत हासिल की। एक पॉइंट से सेवर की टीम ने कासौट को हराया, लेकिन कासौट टीम ने दोबारा से मैच कराने की मांग की। उसके बाद फिर दोबारा मैच कराया गया, उसमें भी कासौट की टीम हार गई, लेकिन आज फिर उसने हंगामा कर दिया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी खिलाड़ियों ने वहां पर हंगामा कर दिया, जिसके बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां से नाराज होकर वापस लौट आए और फिर उन्होंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे और खेल ग्राउंड को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान ग्राउंड के चारों तरफ लगाया गया और ग्राउंड को खाली करवाया गया। बाद में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों और कोच को बुलाकर जिला कलेक्टर ने समझाइश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कासौट टीम को शाम 4 बजे तक का वक्त दिया है कि साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा सेवर की टीम को विजय माना जाएगा। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के आज यहाँ जो फाइनल है, उसमें एक अंतिम मैच था। ये अंतिम मैच जो है वो कसौट जो डीक की पंचायत समिति की टीम है उनके और सेवर के बीच में ये मैच हुआ। ये मैच एक्चुअली एक रीमैच का इनका विरोध था और वो रीमैच कल हुआ था, यानी इनके 2 मैच हो चुके हैं अभी तक। और उन 2 मैचों में जो परिणाम था उसमें कल सेवर की टीम जीती थी। हालांकि जो यहाँ मौके पे प्रोटेस्ट कमेटी है उसको भी उन्होंने अवगत नहीं कराया और जो कसौट टीम के कोच हैं उन्होंने उस रिजल्ट से सहमति जता के साइन करके वो चले गए और सब चीज़ शांति से हो गई। परंतु संभव है कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा, जो मैच देख रहे थे जनप्रतिनिधि भी थे, कुछ सरपंच भी और जो लोग थे, उनका ये मत था कि साहब इसमें इन्होंने समय जो है वो कम खिलाया और उस पॉइंट पे चूँकि यहाँ पर इन्होंने इतना विवाद कर दिया, उसमें मैं आया। मैंने दोनों पक्षों को, इसके अलावा कोच को, इसके अलावा इनके पास जो भी इनके पास साक्ष्य सबूत थे उसका परीक्षण किया। जहाँ तक कोचेस का बात है, जहाँ तक सामने वाले पक्ष के द्वारा दिए गए वीडियो की बात है, कोचेस का मत जो है वो मुझे लगता है मैं उससे अभी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो कोचेस हैं वो 5-5 कोचेस हैं, उन सभी ने कहा कि साहब जो जजमेंट था वो सही था और समय कम खिलाया यदि तो उनके पास जो नोटिंग है जिसमें साइन किए हुए हैं कासोर टीम के कोच ने, वो उससे एग्री है। फिर भी क्योंकि बच्चे विरोध कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो बच्चों को मैंने कहा कि आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे आप कह रहे हो कम खिलाया तो वो दे दें। अभी हाल फिलहाल में घंटे भर से तो वो ऐसी कुछ दे नहीं पाए, मैंने फिर भी उनको आज का समय दे दिया खेल भावना को ध्यान में रखते हुए कि वो कुछ ऐसे सबूत ले आएँ। साथ में मैंने इनको भी बोला है कि आप भी बैठ जाएं, फिर इसका इवनिंग में हम फैसला कर देंगे। मीनवाइल चूंकि ऐसी स्थिति है तो इनकी भावना को, उनकी भावना को ध्यान रखते हुए फाइनल मैच जो है उसके बाद डिसाइड करके कर लें। अभी डिसीजन पेंडिंग है सर। फाइनल में 2 टीमें पहुंची हुई हैं, इन्हीं दोनों टीमों के बीच में मैच होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक टीम का विरोध है तो उसको समय दिया गया कि भाई आप अपनी बात, क्योंकि 2 बार आपके रीमैच हो चुके हैं, अब आपने जो आरोप लगाया अगर उसका आपके पास कोई तथ्य है तो वो तथ्य आप लेके आ जाएँ 4 बजे तक। तो वो उस पर सहमत हो गए, सब लोग चले गए, वो अपने लेके आएंगे फैक्ट। मैं SP साहब और यहाँ जो प्रोटेस्ट कमेटी हम उस पर निर्णय।